त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक विल्लवं शिवार्पणम्। अर्थात मैं भगवान शिव को एक तीन पत्तों वाला विल्लव पत्र अर्पित करता हूँ, जो उनके तीन नेत्रों की भांति त्रिशूल की विविधता की तरह तीन गुणों सत्व रज और तम का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विचार मात्र ही तीन जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार बिल्वाष्टकम, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है, आरंभ होता है, जो एक विल्लव अर्थात बेल के पत्ते की शक्ति को दर्शाता है, जिसे भगवान शिव की पूजा में उपयोग किया जाता है। हजारों वर्षों से वैदिक ऋषियों ने औषधीय पौधों के बारे में ज्ञान एकत्रित किया और मानव कल्याण के लिए उन्हें संस्कृति से जोड़ा। बेल एक ऐसा वृक्ष है जो अनादि काल से पूजनीय है। कई ग्रंथों जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, श्री सूक्तम बेल के महत्व पर जोर देते हैं। इसे एक यज्ञ वृक्ष माना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न यज्ञ प्रयोगों में किया जाता है, जैसे अनस्थम, दंड चढ़ाने के लिए कलछुल आदि। बेल की छड़ियों का उपयोग परिधि और समिधा अर्थात लकड़ी की आहुतियों के रूप में किया जाता है। इसके बहु औषधीय गुणों के कारण इस वृक्ष के विभिन्न भागों का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव महापुराण में कई किदवंतियां इस पत्र की महिमा बताती हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है। बहुत समय पहले लुकबद्धक नामक एक दीन आदिवासी लकड़हारा था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वन में जाता था। एक दिन वो घने वन में समय का बोध खो बैठा। वन सूर्यास्त के समय अंधकार में ढलने लगा। उल्लू चिल्लाने लगे, भेड़िया गुर्राने लगी और इसने उसके मन में डर पैदा कर दिया। लुब्धक ने एक पेड़ पर सुरक्षित रूप से रात्रि बिताने का निर्णय लिया। वो एक पास के बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जहाँ एक आरामदायक डाल चुनकर उसने विश्राम करने का निश्चय किया। आकाश में तारे छाए हुए थे और हवा बह रही थी। उसके नेत्र बंद होने लगे। ये जानकर कि सोना खतरनाक हो सकता है, उसने सोने के बजाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए बेल के पेड़ के पत्तों को एक एक करके तोड़ा और उन्हें भूमि पर फेंकने लगा। उसकी ये जागरूकता उसे जागृत और सतर्क रखे रही। पत्तों के नीचे एक शिवलिंग छुपा हुआ था और अनजाने में लुब्धक ने माघ महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं तारीख को प्रार्थना की और लिंगम पर बेल के पत्ते चढ़ा दिए। ये महाशिवरात्रि थी। अत्यंत कृपाशील भगवान भोलेनाथ लुब्धक के प्रयासों से प्रसन्न हुए। जब सूर्य की पहली किरण ने वन की भूमि को छुआ, तो लुब्धक ने स्वयं को अपनी झोपड़ी के सामने पाया। लुब्धक का हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। उसके देवता उसके साथ थे, जब उसे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिससे उसे शक्ति और साहस मिला। उसी दिन एक बूढ़ी पुजारिन उसे मिली और उसे पवित्र राख विभूति और कुमकुम भेंट की। उसने लुब्धक को बताया कि दयालु भगवान शिवजी ने उसे वन के जानवरों से बचाया। लुब्धक के नेत्रों में खुशी के आंसू झलक पड़े और उसने अपना जीवन भगवान शिव की महिमा गाने में समर्पित कर दिया। आज भी शिवरात्रि पर लुब्धक की कथा सुनाई जाती है और ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय और बिल्वाष्टकम के साथ भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। बेल वृक्ष का देवी लक्ष्मी से भी गहरा संबंध है, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तीव्र तपस्या की थी। पेड़ का दुधिया रस माँ लक्ष्मी जी की कृपा का सार है और इस प्रकार भगवान शिव को प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी के साथ बेल का यह संबंध ऋग्वेद स्रोत श्री सूक्तम से भी प्राप्त होता है। कहा गया है कि देवी श्री लक्ष्मी बेल वृक्ष में निवास करती हैं, जो उनकी तपस्या का फल है। इसलिए नारियल सहित
बेल फल को श्रीफल कहा जाता है। बिल्वोपनिषद में भगवान शिव ऋषि वामदेव को बेल की महिमा बताते हैं। इसका त्रिपत्र त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बाईं ओर भगवान ब्रह्मा, दाईं ओर भगवान विष्णु और मध्य पत्ती में महादेव निवास करते हैं। एक ही डंठल से जुड़ा हुआ पवित्र बेलपत्र इस बात का प्रतीक है कि तीनों देवता एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। महादेव को बेलपत्र अर्पित करने से और बिल्वाष्टकम करने से बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महाशिवरात्रि पर देश भर के शिवलिंगों में बेलपत्रों की हरियाली से सजाया जाता है। ओम नमः शिवाय।